मायसेल्फ संदीप टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज से आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, वो है मैथ्स की। आपको पता होगा यार कि मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक वाला और एक होता है एडवांस वाला। एडवांस वाला पार्ट आपको प्रभु सर पढ़ा ही रहे हैं, अर्थमेटिक वाला पार्ट आज से हम स्टार्ट कर देते हैं। अर्थमेटिक में जो जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, मतलब अर्थमेटिक का टोटल सिलेबस आपको लगभग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज शाम तक, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे एनटीपीसी हो, व्यापम हो या ग्रुप डी हो, सबके लिए ज़रूरी है। अभी 2 से 2.5 महीने आपके पास टाइम है, जो जो सो रहे हो वो जग जाओ, नहीं तो आप सोते ही रह जाओगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों 2 से 2.5 महीने तक में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अर्थमेटिक का कोई एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं और अर्थमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। सिलेबस की बात यहाँ नहीं करेंगे यार, सिलेबस आज शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप किसी बुक से लगा लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब हिंदी में होता है अनुपात, और प्रोपोर्शन का हिंदी वर्जन होता है, इसका मतलब होता है समानुपात। सबसे पहले हम रेशियो को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद प्रोपोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि रेशियो आखिरकार होता क्या है। ये ही नहीं समझ पाते लोग रेशियो होता क्या है। इसके क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन रेशियो ही नहीं समझ पाते कि रेशियो होता क्या है। तो समझो बेटा आज रेशियो होता क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। रेशियो क्या काम करता है? दो सजातीय राशियों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। जैसे आपको और से समझना क्या, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है 5 आम और 3 केले। आपसे कोई पूछे कि इनका रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप रेशियो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पास आप गौर से देखो यूनिट से यूनिट कट नहीं रही है। हमने क्या बोला डिफिनेशन, हमने ये बोला कि दो सजातीय राशियों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। तो ये सजातीय राशियां नहीं है, आम और केले का कोई एक समान जाति के नहीं है, इसलिए इसका कोई भी रेशियो नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या होगा जी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहीं पास अगर आपसे पूछा जाता कि आप बता दो कि 5 आम और 3 केले का रेशियो क्या हो, 5 आम और 3 आम का रेशियो क्या होगा, आप देखो गौर से, आम से आम कट जा रहा है, यानी यूनिट से यूनिट कट जा रही, इसका रेशियो क्या हो जाएगा जी? 5:3। यानी कहने का मतलब रेशियो केवल समान जाति वाले को निकाला जा सकता है। इसका डिफिनेशन ही होता है कि कहने का मतलब ये है कि दो सजातीय राशियों के बीच में ही संबंध बता सकता है, इसके अलावा नहीं। जैसे यहाँ आम से केले कट नहीं रहा था, यूनिट से यूनिट कट नहीं रहा था, इसलिए ये रेशियो नहीं बन सकता। चलो रेशियो की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, उन्हें समझना जरूरी है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जी? पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसे गौर से सुनना, ठीक है। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या रेशियो में किसी भी संख्या से भाग किया जाए, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्या बोला? रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या रेशियो में किसी भी संख्या से भाग किया जाए, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप गौर से समझना, जैसे यहाँ पास लिखा है 5:3, इसमें अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं या किसी भी संख्या से भाग कर दूं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखना, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5:2, 3:2, ये कितना हो जाएगा जी? 10:6। अच्छा, काटने के बाद फिर से ये 5:3 में ही आ जाएगा। कहने का मतलब रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा करो और रेशियो में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करो, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाहते हैं, आप इसको स्टार बना के लिख लो कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या रेशियो में किसी भी संख्या से भाग किया जाए, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहला पार्ट जैसे आप समझो, सबसे पहला पार्ट होता है डुप्लीकेट रेशियो। अभी हाल फिलहाल मतलब जो पिछली बार एएलपी का पेपर हुआ था, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें भी एक पूछा गया था, जैसे पूछा गया था कि आप बता दो
5/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अब बच्चे को यही नहीं पता होता यार कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। इसका हिंदी वर्जन आपको बताते हैं, लेकिन जब भी आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा जैसे 5/3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो आपको इसी का स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 25/9। कहने का मतलब ये है यार, अगर 5/3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो आपको उसी संख्या का स्क्वायर कर देना है, वही क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। अब एग्जामिनर करता क्या है कि वो डायरेक्ट डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में नहीं लिखता कि वर्गानुपात, इसका हिंदी वर्जन होता है वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। अगर ये हिंदी से देगा तब तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही देता है कि 5/3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। इसके बाद की बात करते हैं तो अगला आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का पार्ट है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो 5/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी का क्या कर देना है जी, क्यूब कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब करने पर 125/27। बात समझ गया, हमने क्या क्या बताया, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है जी, हमने बताया जो भी डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ही बात करना है, उसका स्क्वायर कर देना। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो कुछ नहीं करना, उसका क्यूब कर देना। ठीक है, आगे आते हैं, इसी से निकला हुआ है, क्या नाम है इसका, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो जैसे आपसे पूछा जाता है, यहां पास हमने डुप्लीकेट रेशियो में क्या बताया था, स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो 25/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ऑफ 25/9 कितना हो जाएगा जी, 5/3, ये क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इसी से निकलता है क्या, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसके बाद आता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रेशियो में जानना जरूरी है, वरना सवाल तो सब लोग कर लेते हैं, आप केवल ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल डिटेल से बेसिक से पढ़ना, एडवांस लेवल तक लास्ट तक आप देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके पसीने निकल जाएंगे बेटा। चलो आप देखो, सब डुप्लीकेट तो हो गया था, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात आती है, इसका नाम होता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात होता है, इसका हिंदी नाम होता है, लेकिन याद रखना हिंदी से कभी नहीं बोलता बेटा, इतना समझ लो, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है, कोई बहुत कठिन वर्ड नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो 125/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, क्यूब रूट ले लेना है इसका। क्यूब रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का होता है, ये कितने का होता है, 3 का होता है, यही होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इतनी बात समझ गए। इसके बाद छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप समझते हो इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ए अनुपात बी का इनवर्स रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे बी अनुपात ए होगा। बात समझिए, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, और रेशियो में लगभग लगभग 5 टाइप से सवाल करने हैं, 5 टाइप से, एक टाइप में मतलब 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, 5 टाइप में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन रेशियो में होंगे। ठीक है, तो चलो पहला टाइप स्टार्ट कर देते हैं जी, पहला टाइप स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइप सबसे सिंपल क्वेश्चन, यही बार बार क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोले जाते हैं, आप कठिन कठिन पढ़ लेते हो, सिंपल सिंपल को छोड़ देते हो। चलो सिंपल सिंपल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे छोटा क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी आपको दे देता है, 2:3 आपको दे दिया, बी रेशियो सी 4:3 आपसे पूछा जाता है, आप बता दो फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। इसके निकालने के कम से कम 20 तरीके हैं जी, आपको एक तरीका लगाना है जो टोटल रेशियो में लगाना है, 20 तरीके लगाओगे आप भटक जाओगे, केवल एक तरीका लगाना, एक ही तरीका पूरे रेशियो में फॉलो करना है। कैसे चाहोगे तो आपको सारे हम बता देंगे, लेकिन एक ही तरीका आपको बताना है, कैसे फॉलो करोगे इसको, कुछ नहीं करना, आप गौर से देखना, आप लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी, इतना लिख लिया। इसके बाद जो जो दिया है उसी उसी को हमें उधार लेना है, कैसे, ए रेशियो बी कितना दे रखा है जी, 2:3 आप यहां लिख लो 2:3। इसके बाद बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:3, तो यहां लिख लो 4:3।
आप समझते हो जैसे आपके घर में ही कोई प्लाट खाली होता है तो वहां पास कौन आक्रमण करके ले लेता है, आपके पड़ोसी ले लेते हैं। तो यही गौर से समझना, यहाँ पास स्थान खाली है और यहाँ पास स्थान खाली है, तो यहाँ पास कौन आएगा जी, जस्ट बगल वाली बैलू को आपको उतार लेनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहाँ बगल वाली बैलू उतारोगे क्या उतरेगी जी, इसके बगल में क्या है तीन है, इसके बगल में कौन दिख रहा है चार, तो यहाँ क्या उतर जाएगा चार। आपको कुछ नहीं करना, आपस में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, फोर टू जो कितना हो जाएगा एट, फोर टू जो एट होगा ये कितना हो जाएगा फोर, थ्री जो ट्वेल्व ये कितना हो जाएगा थ्री जो नाइन, यही ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया। अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, इकट्ठा काटना है, अगर नहीं कट रहा है तो ना काटो जी। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया आप बोलो, एट रेशियो ट्वेल्व रेशियो नाइन आ गया, और यही सवाल का क्या है आंसर हो गया। आंसर तो समझ गए बेटा, अब समझो ये होता क्यों है ऐसा, गौर से समझना। एक क्वेश्चन में बताएंगे, इसके बाद आप नहीं बताएंगे, इसके बाद आपको यही तरीका लगाना है और यही तरीका बेस्ट भी है। आप समझो ये होता क्यों ऐसा है, इधर गौर से समझना एक बार, समझ लो ये करना नहीं है केवल समझना है आपको। होता है ऐसा यार, जैसे यहां पास दे रखा है क्या ए रेशियो बी, कितना दे रखा है टू रेशियो थ्री, यहां पास कितना दे रखा है बी रेशियो सी, कितना दे रखा है जी फोर रेशियो थ्री। तो आप गौर से देखोगे तो बी यहां भी दिख रहा है और बी यहां भी दिख रहा है, लेकिन यहां पास बी की वैल्यू तीन दिख रही है और यहां पास बी की वैल्यू कितनी दिख रही है जी चार दिख रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, बी की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, बी तो सेम है तो इसकी वैल्यू अलग अलग क्यों हो रही है। तो इसी को बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता बेटा, इसके पास चार की कमी है तो चार से मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास कितने की कमी है तीन की कमी है तो तीन का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप करने की कोशिश करोगे तो ये कितना आ जाएगा फोर टू जा एट रेशियो फोर थ्री जा ट्वेल्व, बात यहां तक समझ में आई। इसके बाद जब इसे करने की कोशिश करोगे तो ये कितना हो जाएगा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री थ्री जा नाइन। तो यहां से आप गौर से देख रहे हो ए रेशियो बी कितना मिल गया एट रेशियो ट्वेल्व, यानी यहां भी बी की वैल्यू ट्वेल्व हो गई और यहां भी बी की वैल्यू 12 हो गई। अब सेम हो गया कि नहीं, तो यहां से आप क्या बता सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया जी एट रेशियो 12 रेशियो 9। इतनी बात समझ आ गई बेटा कि नहीं आ गई, इतनी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। तो होता क्यों है ये हमने बताया है, करना कैसे ये हमने बताया, ये केवल आपको प्रूफ दिखाएं क्यों ऐसा होता है, लेकिन करना आपको इसी तरीके से, बात समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। चलो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे संपूर्ण पृथ्वी में जल पानी का भूमि और जल का अनुपात, ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, गौर से सुनना। दूसरा क्वेश्चन इसी में एक करते हैं, यहाँ पास दे दे ए रेशियो बी इक्वल दे रखा है मान लो थ्री रेशियो वन, बी रेशियो सी आपको दे रखा है मान लो टू रेशियो थ्री, तो आपको फाइंड करना है ए रेशियो सी निकालो क्या होगा। केवल इस बार पूछ लिया कि बता दो ए रेशियो सी क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो, इसके बाद आप ए सी अपने आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो देखो कैसे निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, लिख लो जी ए लिख लो बी लिख लो और सी लिख लो। ए रेशियो बी कितना दे रखा है जी थ्री रेशियो वन, तो आप लिख लो थ्री रेशियो वन। इसके बाद बी रेशियो सी कितना दे रखा है टू रेशियो थ्री, तो यहाँ लिख लो टू रेशियो थ्री। हमने बताया कि अगर बगल में किसी का प्लाट खाली हो, घर खाली हो, कुछ भी चीज़ खाली हो, जैसे आपके बगल में कुछ चीज़ खाली होती है तो आप उसमें अतिक्रमण करके क्या कर लेते हो कब्जा कर लेते हो, कर लेते हो कि नहीं। हमने यही बोला कि बगल वाली वैल्यू को आप क्या कर लो यहाँ पास उतार लो, एक आएगा जी यहाँ क्या उतरेगा इसके बगल में जस्ट क्या है दो है तो इसको उतार लो। इसके बाद हमने कुछ नहीं बताया, इसके बाद हमने बताया कि इसी का आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो जी, कर दो ये कितना हो जाएगा जी थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू और थ्री वन जा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से आपसे पूछा गया एबीसी नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि बता दो ए रेशियो सी कितना होता है, तो आप बता सकते हो ए की वैल्यू कितनी है जी ए रेशियो सी पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है सिक्स है, सी की वैल्यू कितनी है जी थ्री है। इसे काट भी सकते हो थ्री वन जाओ थ्री टू जाओ, तो ए रेशियो सी कितना आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे ए रेशियो सी टू रेशियो वन आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, चलो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं। इतनी बात समझ, तीन वाला आप निकाल लोगे, अभी चार वाला निकालेंगे पांच वाला निकालेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में केवल चार तक आता है तो चार तक बताया जाएगा। इतनी बात समझ गए, चलो अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलो देखो, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो x इक्वल दे रखा है 1 अपॉन 3y और y इक्वल दे रखा है 1 अपॉन
2Z आपको फाइंड करना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, बताओ क्या होगा। इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स इक्वल 1/3y, वाई इक्वल 1/2z, आपको फाइंड करना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा। तो बस वही तरीका है, इसको देखो आपको डरना नहीं है। ये बताओ वाई इधर इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में होगी कि नहीं होगी, इधर इंटू में है इधर आके डिवाइड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कैसे करोगे बेटा, इसको लिखोगे x डिवाइडेड बाई y इक्वल कितना हो जाएगा 1/3, इधर क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाई z कितने के बराबर होगा बेटा 1/2। ये बात वही हुई यार, x डिवाइडेड बाई y लिखो या कि x रेशियो y लिखो, बात बराबर है कि नहीं। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि x रेशियो y कितना जाएगा जी 1:3, y रेशियो z कितना जाएगा जी, तो आप बोलोगे 1:2। अब वही वाला नियम हो गया कि x रेशियो y इतना दिया है, y रेशियो z इतना दिया है, तो आप निकाल दो x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। तो वही ऐसे निकाल दो यार, देखो कुछ नहीं करना, आप लिख लो यहाँ x, यहाँ लिख लो y और यहाँ लिख लो z। x रेशियो y कितना दे रखा है 1:3, तो लिख लो 1:3। वाई रेशियो जेड कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 1:2, तो आप लिख लो 1:2। इसके बाद हमने बताया कि जो बगल में जगह खाली होती है वहां पास आपको बगल वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, उतार लेना है जी। तो यहाँ पास उतार लो कितना आ गया 1, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा 1 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की अगर बात करेगा तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ गया 1:3:6। अगर यहीं से आपसे पूछा जाता कि एक्स और जेड का रेशियो बताओ तो आराम से बता सकते थे एक्स की 1 है और जेड की कितनी है 6। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, लास्ट तक में आप रेशियो के सीधे मास्टर कहलाओगे बेटा। रेशियो में कोई सवाल ऐसा होगा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग अभी सो रहे हो वो जग जाओ यार, जो ये पबजी वबजी खेलना छोड़ दो, इसके बाद आप सीधे लूडो खेलना छोड़ दो, ये सारी बातें छोड़ दो। क्योंकि 2 से 2.5 महीने के लास्ट में जैसे NTPC की डेट आ गई है, जेल प्रहरी की भी आने ही वाली है, वो आ ही जाएगी, वर्ग 3 की भी आ ही जाएगी। तो सबके लिए ये जो क्लासेस चल रही हैं ये व्यापम हो गया क्या, किसी भी एग्जाम के लिए है, सबके लिए आपको बेनिफिशियल होगी। एडवांस अर्थमेटिक दोनों मैथ्स आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, आप पढ़ते बस जाओ बेटा। चलो थोड़ा सा और कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और कदम बढ़ाते हैं। मान लो अब 4 रेशियो की बात आ जाती है, आपसे 4 रेशियो पूछा जाता है, कैसे गौर से देखना, वही तरीका है। आपसे पूछा जाता है कि बेटा ए रेशियो बी कितना दे रखा है 1:2, बी रेशियो सी कितना दे रखा है जी 3:1, और सी रेशियो डी कितना दे रखा है जी, मान लो दे रखा है 4:3। आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, बताओ क्या होगा। आपसे ये पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ कितना होगा, तो वही तरीका आपको लगाना है। हमने बताया एक ही तरीका पढ़ा और टोटल रेशियो में एक ही तरीका को फॉलो करना। चलो गौर से देखना बेटा, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी और यहाँ लिख लो डी। आपको कुछ नहीं करना, बताओ ए रेशियो बी कितना दे रखा है जी, तो बोलोगे 1:2, लिख लो 1:2। बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:3, तो लिख लो 3:3। इसके बाद सी रेशियो डी कितना दे रखा है 4:3, सी की जगह तो ये है, इसके जस्ट नीचे लिखोगे 4:3। इसके बाद कुछ नहीं करना, हमने बताया जहां भी बगल में जगह खाली है तो आपको क्या करना है, बगल वाली वैल्यू को क्या कर लेना है, उतार लेना है बेटा। चलो तो बगल में यहाँ जगह खाली है तो बगल में यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ जगह खाली है तो क्या आ जाएगा 2, इसके जस्ट बगल में कौन सी संख्या 1, तो लिख लो क्या 1, इसके जस्ट बगल में कौन सी संख्या 3, तो लिख लो 3, इसके जस्ट बगल में 4, इसके जस्ट बगल में 4। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इन सभी का क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। चलो 4:3 कितना होगा बेटा 12, ये कितना हो जाएगा 4:3 12, 2 कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 4:2 8 और ये कितना हो जाएगा 3:2 6। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया बेटा 12, 24, 8 और 6 आ गया। अगर ये कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हो, जैसे इसे ये वाला फॉर्म नहीं है, इसे काटोगे तो कितना आएगा 2:6 और बड़ी संख्या से नहीं कट, ठीक है 2 से 12 कटेगा, 2 से 4 कटेगा और 2 से 3 कटेगा। कहने का मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का कितना आ गया 6, 12, 4 और 3 आ गया। इतनी बात समझे, यही बात आपसे अगर पूछा जाता कि बता दो ए रेशियो डी का कितना होगा रेशियो, तो बता देते 6:3, ए रेशियो सी का पूछा जाता तो 6:4। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पूरी तरीके से। चलो
थोड़ा सा स्टेप और बढ़ते हैं, ये चार वाला उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, मिटा दें। अभी पहला टाइप ही चल रहा है, पांच टाइप आपको रेशियो में कराए जाएंगे और पांच टाइप के बाद आप रेशियो के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। चलो लिखो, ए रेशियो बी इक्वल दे रखा है 3/4 रेशियो 9/8, 3/4 रेशियो 9/8। बी रेशियो सी आपको दे रखा है 5/8 रेशियो 15/24। सी रेशियो डी आपको दे रखा है 2/5 रेशियो 4/10। आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको फाइंड करना है। वही तरीका लगाना है, आपने बताया कि एक तरीका ऐसा पढ़ो जो सारे रेशियो में लग जाए, वही तरीका लगाना है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, बचपन में आपने पढ़ा होगा वो भूल गए होंगे, तो हम आपको सिखाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, आप गौर से समझना। जैसे यहाँ पास लिखा है बेटा कि 5/3 / 15/9 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बचपन में सिखाया जाता था इस रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, आप बोलोगे डिवाइड होता है जी, तो बचपन में सिखाया था मैडम ने, सिखाया था आपको 5/3 हो जाएगा। अच्छा डिवाइड को उन्होंने बताया था कि डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, उसके जस्ट बगल वाली जो वैल्यू होगी उसे क्या कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। तो आप क्या कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 9/15 हो जाएगा। आप इसे काटने की कोशिश करोगे 3 1 3 3 3 5 1 5 3 3। तो हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं जहां भी डिवाइड का साइन लगा होगा वहां आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और मल्टीप्लाई के साइन के जस्ट बगल में जो संख्या होगी उसे क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना। तो यहां वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा आप गौर से समझने की थोड़ा कोशिश करना। यहां पास क्या दे रखा है जी, ए रेशियो बी, आप बताओ इस रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल होता है 3/4 इसका मतलब होता है डिवाइड। तो क्या मैं यहां पास मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, और हमने बताया था मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद जस्ट बगल में जो होगी उसे उल्टा कर देना, 9/8 है तो 8/ कितना कर दो जी, 9 कर दो, जो कटता है तो काट दो जी, 3 3 जा 4 2 जा, यानी कि ए रेशियो बी की अगर बात कर लिया जाए तो ए रेशियो बी कितना आ गया 2 रेशियो। अगली बात करते हैं इसी तरीके से, बी रेशियो सी की बात करते हैं, तो आप बोलोगे बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/8, यहाँ पास डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का लगा दो, इसे हमने बोला उल्टा कर दो तो कितना होगा 24/15 हो जाएगा, हाँ या ना। चलो तो इसे काट देते हैं, 8 1 जा 8 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 से 3 कट गया, बताओ बी रेशियो सी कितना आ गया बेटा, तो बोलोगे 1 रेशियो 1 आ गया। इसी तरीके से आप सी रेशियो डी भी निकाल सकते हो, तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2/5 × 10/4 हो जाएगा, तो बताओ 2 2 जा 5 2 जा 2 से 2 कट गया, बताओ सी रेशियो डी कितना आ गया बेटा, तो आप बोलोगे 1 रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब आपको मिल गया ए रेशियो बी कितना होगा, बी रेशियो सी कितना है, सी रेशियो डी कितना, आप नहीं निकाल सकते ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। चलो देखो कैसे निकालो एक बार, और गौर से देखना आप, यहाँ कितना हो जाएगा जी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, बताओ कितना होगा 2 रेशियो 3, ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो 1, ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो 1। हमने बताया कि जहां बगल में जगह खाली होगी आपको कुछ नहीं करना है, बगल वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, उधार लेना है, तो चलो उधार लो जी, क्या हो जाएगा यहाँ पास 3, यहाँ पास क्या होगा 3, यहाँ बगल में कौन है 1 है, और यहाँ बगल में कौन है जी 1 है, यहाँ कौन आएगा 1, यहाँ कौन आएगा 1, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, वहां तक नहीं दिख पा रहा होगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3।
आप कटता है तो काट दो, वैसे कट कुछ नहीं रहा, अगर कटेगा तो आपको काटना पड़ेगा। और सबसे शॉर्टेस्ट पहले वो आपको बतानी है, सबसे शॉर्टेस्ट रेशो आपको बताना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको मिटा देते हैं, अगले थोड़ा स्टेप और बढ़ाते हैं, एक कदम धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। आप हमारे साथ बने बस रहो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन इसी टाइप में पहले ही टाइप में पूछ लिया जाता है कि आप बताओ 2a इक्वल 3b इक्वल 4c है, 2a इक्वल 3b इक्वल 4c है, लिखा रहता है। यदि 2a इक्वल 3b इक्वल 4c है तब आपको फाइंड करना है a रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखो इसको लगाने के दो तरीके हैं, इसको लगाने के दो तरीके हैं बेटा, लेकिन आपको एक तरीका लगाना है। हम बताने को दोनों तरीके बताएंगे कैसे आपको लगाना है, लेकिन एक तरीका लगाना है, वही तरीका आपको सीखना भी है, देखना क्या होता है इसको तरीका। इन्होंने दे रखा है जी 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, ये बोलना चाहता है कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे। कहने का मतलब ये किसी ना किसी के बराबर तो होंगे, तो यहाँ अपने आप जो आपकी मर्जी हो वो आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हो। हम बोल रहे हैं कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, तो अपने आप इनको किसी ना किसी नंबर के बराबर रखना पड़ेगा। तो हमें कैसे यार, अगर हमें अगर मानना ही है तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जिससे हमें काटने और पीटने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप समझो, अगर हमें मानना ही है यहाँ पास, कौन सी वैल्यू मान लेते हैं, तो 2, 3 और 4 ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 2, 3 और 4 से क्या हो जाए, डिविजुअल हो जाए। तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन करने में क्या होगी, सिंपल होगी। गौर से समझना, हम क्या मान लेते हैं, 2, 3 और 4 का एलसीएम ही मान लेते हैं। हमें अपनी मर्जी से मानना है तो मैं मान लेता हूँ कि 12 के बराबर है। आप 16 मानो, 20 मानो, कुछ भी मानो, आएगा आंसर उतना ही। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप ऐसी वैल्यू मानो जो तीनों से क्या हो जाए जी, कट जाए। कहने का मतलब एलसीएम मान लो, आप क्या मान लो, एलसीएम मान लो। अब गौर से थोड़ा सुनने की कोशिश करना, इसका मतलब ये जो हमने 12 माना है, ये जो हमने 12 माना है, कहने का मतलब 2a बराबर भी 12 है, 2a बराबर भी 12 है, 3b बराबर भी 12 है और 4c बराबर भी 12 है। बात समझ गए कि नहीं? तीनों अगर बराबर है, बराबर का साइन लगा है, इसका मतलब 2a बराबर भी 12 है, 3b बराबर भी 12 है और 4c बराबर भी 12 है। इतनी बात समझ आ गई ही नहीं आ गई? चलो अब गौर से देखने की कोशिश करना, ये कितना हो जाएगा जी, इसका मतलब आप गौर से एक बार पूरा डिटेल से बताते हैं, अगली बार से नहीं बताएंगे यार। ये कितना लिखा है, 2a बराबर कितना, 2a बराबर 12 लिखा है, तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा बेटा। तो आप बोलोगे 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार, तो a इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से आप बोलोगे 3b बराबर कितना दिया है बेटा, 12 दिया है, तो बताओ b इक्वल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा जी। इसी तरीके से हम c निकाल सकते हैं, 4c बराबर अगर 12 दिया है बेटा, तो बताओ c इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ, यहाँ से आपसे पूछा था a रेशियो b रेशियो c होता तो क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। यहाँ पास दिख रहा है a रेशियो b रेशियो c कितना दिख रहा है, यहाँ लिख लो a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, 6:4:3, और यही क्या हो जाएगा बेटा सवाल का आंसर होगा। इतनी बात समझ, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक भी परसेंट की कोई कहीं दिक्कत? एक बार फिर से समझ लो, इन्होंने दे रखा था 2a इक्वल है 3b इक्वल है 4c के, तो आपको बताना है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं किया था, इन्होंने बोला था 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के, तो ये किसी ना किसी के बराबर रहे होंगे। हमने आप एक वैल्यू मान ली 12 के बराबर रहे होंगे, इसका मतलब 12 ही एक ऐसी संख्या है जो 2a के बराबर भी रही होगी, 3b और 4c के बराबर भी रही होगी। तो हमने यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमसे पूछा था a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो हमने बता दिया a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है? चलो एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं, फिर एक कदम और बढ़ाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। सी का 1/8 आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। सेम टू सेम वही चीज करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला है जी,
ए का 33/1/3% बराबर है, बी का 1.5% बराबर है, सी के 1/8 के बराबर है। आपको निकालना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का मतलब समझ आता है कि नहीं आता। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100 में किसी भी चीज का मान ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। आप गौर से समझने की कोशिश करना। पहले इसे मैं क्या कर देता हूँ, ये फ्रैक्शन को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ दिया है इफ, यानी ए का 33/1/3%, बी का 1.5%, सी का, तो इसे गौर से समझना। का मतलब क्या होता है जी, गुणा होता है कि नहीं होता। तो आप लिख लो ए मल्टीप्लाई 33/1/3% का मतलब होता है 33 कितना होता है 99, एक कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 3, परसेंटेज वाला 100 नीचे आएगा, हाँ या ना बोलो। तो आप बोलोगे यहाँ पास b मल्टीप्लाई 1.5, जैसे बचपन में सिखाया गया था यार, अगर लिखा हुआ है 1.5, इसका पॉइंट हटाना है तो आपको कुछ यहाँ दिखता 1.5, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पॉइंट हटाना है तो पॉइंट पॉइंट की जगह 1 लगाना है, और जितनी संख्याएं होंगी उतने कितने आ जाएंगे 0। बात समझ आई कि नहीं आई, चलो। तो 15/10, तो यहां पास क्या करोगे 15/10 लिख सकते हो, हाँ या ना। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 6/1/8, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आपको एबीसी निकालना है, इससे पहले हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। बताओ ये 100 से 100 कटेगा, हाँ या ना। इसके बाद ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 5 2 जा, तो आप बोलोगे यहां पास कितना आ गया बेटा 1/3 बचा है कि नहीं, यहां हो जाएगा 1/3 ए इक्वल हो जाएगा 3/2 बी इक्वल हो जाएगा 3/1/8 सी। अब वही क्वेश्चन बन गया, आप गौर से समझो 1/3 ए इक्वल है 3/2 बी इक्वल है 1/8 सी के, ये किसी न किसी संख्या के इक्वल तो रहे होंगे। हमने बोला आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम मान लेना है। इसके बराबर क्या है, कोई संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हो बेटा, ऐसी संख्या मानो जो आपको काटने में थोड़ी सी क्या हो, अच्छा ही हो। चलो तो यहाँ पास आप एक संख्या मानो, क्या मान लेते हैं हम यहाँ पास एक संख्या मान लेते हैं। देखो जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम ऐसे जब पढ़ाएंगे तो हम सिखाएंगे, केवल इतने समझ लो कि जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का बेटा एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो चलो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का जब एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा, लेकिन नीचे वाले का जब एचसीएफ लेने की कोशिश करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो 3/1 का मतलब क्या होता है, मैं 3 ही क्यों ना लिख दूं, 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है कि नहीं होता, तो हम 3 ही डायरेक्ट लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1/3 a बराबर भी कितना है 3 है, 3/2 b बराबर भी 3 है, और 1/8 c बराबर भी कितना है 3 है। तो यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। गौर से देखना कैसे निकालो, क्या यहां पास मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/3 a इक्वल कितना जी 3, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप बोलोगे a इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, ये चीज इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगी कि नहीं होगी, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। a की वैल्यू हमने निकाल ली, b की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो बताओ, हाँ ठीक है, यहाँ पास कितना है 3/2 b इक्वल कितना दे रखा है बेटा, तो आप बोलोगे 3 दे रखा है। तो यहां से क्या कर लोगे आप, b इक्वल निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे ये वाला इधर डिवाइड में उधर जाके कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये वाला कहाँ चला जाएगा 3, ये कटने के बाद कितना देगा बेटा 2 देगा, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 2 आ गई। इसी तरीके से आप c निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे 1/8 c इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो बताओ c इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 24 हो जाएगा। बात इतनी समझ आई कि नहीं आई, तो अब आपको कुछ नहीं करना था, पूछा था a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, कितना आसान हो गया, आप निकाल लो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, यहां से आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा बेटा। और एक बात और समझ लो, रेशियो अगर आपसे आता है तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई से ये सारे के सारे रेशियो से ही खत्म हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, रेशियो एक बेसिक चैप्टर है, बात समझ रहे, अर्थमेटिक का एक बेसिक चैप्टर है रेशियो। अगर रेशियो आपसे बनने लगा मिक्सचर एलिगेशन एज प्रॉब्लम तो ऐसे ही बन जाएंगे, अगर यही नहीं बनेगा तो आपकी कहानी आगे बन ही नहीं पाएगी। ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था तो आप कितना निकाल के बता रहे हो जी 9:2:24, अगर कुछ कटता है तो काट तो नहीं करता तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर होगा। इतनी बात समझ आई बेटा कि नहीं आई, यहां तक कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत होगी तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
और आप किसी बुक से थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए जो जो हम पढ़ाए देते हैं, वरना आप पीछे हो जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल दिया है 2:3:7 दिया है। आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड करो पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस आप ये निकाल के दिखाओ। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं और करने को तो वरना सब पढ़ लेंगे। आप गौर से देखना क्या करना आप चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर दिया है 2:3:7, आपको फाइंड करना है पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल से आप समझने की थोड़ा कोशिश करना। जैसे मैं बोलूँ ए रेशियो बी आपको दे रखा है मान लो 2:3, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3, क्या आप इसे जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो। मैं कहने का मतलब ये है क्या आप इसे जोड़ सकते हो, क्या आप इसे घटा सकते हो, क्या आप इसे गुणा कर सकते हो। तो गौर से देखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है सजाती राशियों के बीच में संबंध बताना। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है कि यहाँ पास किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया होगा इनके साथ। जिस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा उसी नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई किया हुआ, हाँ या ना। अब बोलो, आपने कभी एलजेब्रा थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो यहां से कह सकते हो यार 2x और 3x जुड़ सकता है, हाँ या ना। जुड़ सकता है तो आप बोलोगे 2x और 3x जुड़ सकता है, जी बिल्कुल जुड़ सकता है। कितना हो जाएगा 5x। बात समझ आई, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ रेशियो जुड़ता भी है और घटता भी है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पास क्या हो जाएगा जी, P plus Q यानी 2+3 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा Q+R कितना हो जाएगा, आप देखो Q+R कितना हो जाएगा 10, R plus P 7+2 कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। यानी कि P plus Q रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी ये कितना हो जाएगा, आप देखो 5:10:9 हो जाएगा। यही सवाल का क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस चीज से आपको समझाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप ये वाला समझ गए तो समझो। चलो देखो इन्होंने बोला है इफ यदि पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस एस इक्वल आपको दे रखा है 7:8:9, आपको फाइंड करना है बेटा पी रेशियो क्यू रेशियो आर। नहीं, यहाँ पास होगा पी क्यू क्यू आर और आर एस। चलो ठीक है, पी क्यू क्यू आर और आर पी यहाँ पास होगा, क्या होगा आर पी होगा, आर पी होगा। आपको फाइंड करना है पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या होगा। तो गौर से देखने की कोशिश करना, हमने बताया अभी रेशियो क्या हो सकता है जी, जुड़ सकता है, रेशियो क्या हो सकता है घट सकता है, रेशियो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड तो खुद ही रहता। तो गौर समझना, मैं इसे क्या करता हूँ, पी रेशियो क्यों निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इनका क्या करना है जी, पहले तो इन्हें क्या कर दो ऐड कर दो। तो आप ऐड करने की जब कोशिश करो, एक बार पूरे डिटेल से बताता हूँ वरना आप डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में खुद ही करने लगोगे। तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी, ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ पास जैसे रेशियो लिखा है तो क्या इन नंबर में किसी भी नंबर का सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया गया होगा, हाँ या ना। सेम नंबर तो हम मान लेते हैं इसमें किसी नंबर का, मान लेते हैं एक्स का मल्टीप्लाई किया गया होगा, यहाँ भी एक्स रहा होगा, यहाँ भी एक्स रहा होगा, यहाँ भी क्या रहा होगा एक्स का मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो ऊपर नहीं लगा हुआ है, यहाँ जगह कम होने के कारण थोड़ा सा मैं यहाँ बगल में लिखते हूँ। बात समझ गए, तो जब इसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो आप गौर से देखना, आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, इधर वाला इधर से जुड़ गया उधर वाला उधर से जुड़ेगा, 7x प्लस 8x प्लस कितना हो जाएगा 9x होगा कि नहीं होगा। अब इधर देखो p यहाँ भी है यहाँ भी है, q यहाँ भी है यहाँ भी है, r यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है इनको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r इक्वल कितना हो जाएगा, ये 7 8 7 15 होता है और 15 9 कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया जी
24x हो गया। तो यहां से देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो क्या मैं यहां से दो को कॉमन ले सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ले सकता हूं, तो दो को यहां से कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल कितना हो जाएगा जी? 24x। बोलो यहां से ये जब कटेगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल कितना हो जाएगा? 12x। बोलो हाँ या ना। यहां तक बात समझ आई? हमने एक चीज निकाल ली यार, यहां पास थोड़ा सा लिखता हूं आपको, p रेशियो q रेशियो r निकालना है। हमने क्या निकाल लिया? p प्लस क्यू प्लस आर कितना निकाल लिया जी? 12x निकाल लिया, हाँ या ना। अब आपको निकालना है p रेशियो q रेशियो r क्या होगा। तो आप गौर से देखना, यहां से हम कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से हम कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा आप गौर से देखना। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप बताओ यहाँ पास p प्लस क्यू कितना दे रखा है, यहाँ पास p प्लस क्यू कितना दे रखा है? 7x दे रखा है, हाँ या ना। देख लो एक बार, p प्लस क्यू कितना दे रखा है? 7x दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो क्या मैं यहाँ पास इस p प्लस क्यू की जगह 7x रख सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल रख सकते हो। 7x रखोगे, 7x प्लस r कितने के बराबर होगा बेटा? 12x के। आप बताओ ये 7x उधर जाएगा, बराबर के जब उधर जाएगा, कहने का मतलब ये है कि ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। कोई भी संख्या बराबर के इधर उधर जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस में। जैसे आप किसी की जिंदगी में इधर उधर जाते हो तो माइनस में चला जाता है कि नहीं चला जाता? बात समझ रहे हो ना? चलो वही बात है, आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 12x माइनस 7x, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 5x। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? r की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये हमने करके दिखाया, लेकिन अगली बार ये करेंगे नहीं, अगली बार आप समझना। r की वैल्यू यहाँ पास केवल निकलो, r की वैल्यू कितनी आई है? 5x आई है। इतनी बात समझ गए? अब यहीं से हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, यहीं से हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आप बताओ q प्लस आर कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे q प्लस आर जी 8x दे रखा है। कितना दे रखा है? 8x। तो q प्लस आर की जगह अगर मैं 8x रखूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? p। बताओ 8x उधर जाएगा तो p की वैल्यू कितनी बचेगी? 4x बचेगी कि नहीं जाएगी? यानी 12x में अगर 8x घटेगा तो कितना बचेगा जी? 4x बचेगा। या इतना नहीं समझ रहे, इतना ही समझो जी, क्यों आर अगर 8 हो गया तो पी की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 12x के बराबर हो जाए? तो आप बोलोगे 4x रख दो, यानी पी की वैल्यू हमें यहां से क्या पता चल गई जी? पी की वैल्यू कितनी होगी? 4x होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? चलो अगली बात यहीं से फिर से कर लेते हैं। आप बताओ यहां पास दे रखा है पी प्लस आर, पी प्लस आर कितना दे रखा है बेटा? तो पी प्लस आर कितना दे रखा है बेटा? आप बोलोगे 9x। अगर मैं यहाँ पास 9x रखता हूं तो बताओ क्यों की वैल्यू क्या रही होगी? 3x रही होगी कि नहीं रही होगी? बोलो 3x रही होगी कि नहीं रही होगी? तो आप यहां से कह सकते हो क्यों की वैल्यू क्या रही होगी बेटा? तो आप बोलोगे 3x रही होगी। आपसे यहीं से पूछा गया था पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं पी रेशियो क्यू आर, पी क्यू आर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना होगा, तो आप बोलोगे p की वैल्यू कितनी है? 4x रेशियो 5x रेशियो 3x, 4x ये 3x, अच्छा क्यों 3x है, क्यों कितना है? 3x है, और ये कितना है? 5x है। तो x से x कट ही जाना है तो कितना आ गया? 4 रेशियो 3 रेशियो 5, और यही सवाल का क्या हो गया जी? आंसर हो गया। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, इसके बाद फिर लास्ट करते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और, इतनी बात समझ में, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लेना, एक बार और समझ लेना गौर से। यह दिया है पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी, कितना दे रखा है? 7, 8, 9 दे रखा है। तो हमने बताया है कि रेशियो में किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमने मान लिया यहाँ वो नंबर एक्स रही होगी जिसका हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पी क्यू आर हमें निकालना था बेटा, तो हमने बताया कि रेशियो को जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहां से जोड़ने की कोशिश करना, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, हमने सबको इधर जोड़ दिया 7x 8x और 9x। इसके बाद की बात करते हैं, तो यहाँ 2p दिख रहे हैं, 2q दिख रहा है, 2r दिख रहा है, कितने के बराबर है? 24x के बराबर है। तो 2p प्लस q प्लस r कितना हो जाएगा? 24x के। 2 उधर से काटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 12x हो जाएगा। p प्लस q प्लस r कितना आ गया? 12x आ गया। अगर p प्लस q प्लस r 12x आ गया, तो हमने यहीं से बताया है आप p q r की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमने बताया कि p प्लस q कितना दे रखा है बेटा, तो आप बोलोगे p प्लस q 7x दे रखा है, यानी कि ये वाली वैल्यू 7x है, ये वाली वैल्यू 7x है। तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी? 5x रही होगी कि नहीं? यहीं से r की वैल्यू निकल आई थी 5x। इसी तरीके से हमने p
क्यू निकाला और आर निकाला था, बात समझ आई कि नहीं है। फिर इसके बाद रेशियो पूछा था, पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना होगा, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर हमने निकाल दिया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे यार। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। कल थोड़ा इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। पहले टाइप में एक से दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद हम सेकंड टाइप स्टार्ट कर देंगे। चलो धन्यवाद।